उस वक्त हनुमान वाटिका में हम मौजूद है। यहाँ जो आप जानते हैं सामूहिक विवाह जिसको इज्तमाही शादियाँ कहते हैं, इस बार हमने 15 लड़कियों को शादी कराई है। वो लोग जिनको गरीब है, जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों की यहाँ मचान वाले बाबा के द्वारा जो शादी की जाती है। जो लोग दान देते हैं सही जगह पर, यह दान होता है। ये जो अपने जो हनुमान वाटिका है, जो इनकी टीम है और राकेश कुमार जो निगम पार्षद हैं, मैं उनका, अशोक जैन साहब का और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं। ये काम देश के हित के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में 2 साल से कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, अपनी बेटियों बेटियों की शादियाँ नहीं कर पा रहा है। और इस समय पर जो राकेश कुमार जी, अशोक जैन जी, इनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, ये एक देश का काम कर रही है, जो देशवास का एक देशभक्ति का जो काम होता है वो काम कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इनका, इनकी टीम का, तमाम ग्रुप का, और जिन लोगों ने शादी में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मैं उनका भी तहे दिल से हाथ जोड़ के आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राकेश जी, आप भी दो बातें जी। मैं तो मेहरबान कुरैशी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाई, मेहरबान कुरैशी ने ये साबित कर दिया, आज हिंदू सामूहिक विवाह है 15 जोड़ों की शादियों में, भाई मेहरबान का आना एक आना ही उनके लिए एक एक संदेश देता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का, आपसी भाईचारे का, आपसी सद्भाव का संदेश एक जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। और देखिए, देश के लिए तो हमारे मेहरबान साहब काम करते हैं। मैं बता दूं कि ये भी सामूहिक विवाह करवाते हैं जी, जी। और इस बार भी करें, अब ये आप भी करवा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, और आम पार्टी के दोनों सदस्य हैं, आप काउंसलर हैं, जो लेडीज सीट हुई है तो उसमें श्रीमती जी भी आपकी जी, जी, ये विजयी होंगी, तो इस बारे में आप मुस्लिम की जो एकता का पैगाम है इसमें क्या कहना है? मैं यही कहना है कि देखिए, आज जो शादी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, और हम तो इससे एक संदेश लेते हैं आपसी भाईचारे का। सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि देश में अमन चैन बना रहे, अमन के फरिश्ते टाइप के लोग हमारे बीच में हैं, और देश की एकता और अखंडता हमेशा मजबूत रहेगी जब तक मेहरबान कुरैशी जैसे लोग हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी एक सूत्र है कि संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात, और घटघट देखे अलग तो पूछे जाता। संत का हृदय जो होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे पिघलता हुआ मक्खन, किसी की जात पात देखते नहीं। उसी में से श्री राम हनुमान वाटिका जो आसफ अली रोड पर स्थित है, और इसके जो महंत हैं श्री रामकृष्ण दास महात्यागी जी महाराज, जिनको हम सभी मचान वाले बाबा के नाम से जानते हैं, अब तक 220 बेटियों की अब तक वो शादियां करा चुके हैं, और आज जो है 15 बेटियों का विवाह और है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कुदरत जो है ना, वो ऊपर जो आसमानी शक्ति बैठी है, वो किसी न किसी रूप में, वो स्वयं को आते नहीं, हम ये सोचें कि भगवान खुदा अल्लाह वाहेगुरु कोई अपने स्वरूप स्वरूप में आए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है। उसमें से एक कड़ी जो है ये राम हनुमान वाटिका के जो बाबा हैं, आप हम इनको किसी भी रूप के अंदर देख सकते हैं। और इनके दिल में जो ये एक बात है कि भाई बच्चियों की शादी होनी चाहिए, और ऐसी बच्चियों की जिनके किसी के सर पे पिता नहीं है, किसी के सर पे माँ नहीं है, या माता और पिता दोनों हैं तो उनके पास धन संपदा की थोड़ी कमी है, अभावग्रस्त लोग हैं, तो उनके लिए हम और आप जैसे आदरणीय राकेश भाई जैसे लोग सामने आते हैं, और उन बच्चों के माता पिता का हम लोग रोल अदा करते हैं, और जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं उनसे हम झोली फैला के कहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ दें, और देने वाले इतना भरपूर देते हैं, बशर्ते उनको ये पता हो कि ये मेरे हाथ का जो दान है, ये जो मैं सामान दे रहा हूँ या जो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो सही जगह पहुँचे। तो उसी कड़ी में राम हनुमान वाटिका से जो आज 15 बेटियों की शादियाँ हो रही है, वो एक उसका सूत्र है। राकेश कुमार जी भी मौजूद थे, और बहुत से ऐसे चीफ गेस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी राय सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।